गुरुग्राम में देखने को मिला रफ्तार कार का कहर। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के झाड़सा चौक फ्लाईओवर से नीचे गिरी तेज रफ्तार लग्जरी कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 में। आपको बता दें कि दिल्ली सटे साइबर सिटी गुरुग्राम के जयपुर एक्सप्रेसवे पर झाड़सा चौक फ्लाईओवर से तेज रफ्तार कार अचानक नीचे जा गिरी। सोमवार रात तकरीबन 9 बजे की घटना है, जब कार दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रही थी और कार में 3 लोग सवार थे। कार नीचे गिरते ही आसपास हड़कंप मच गया और पूरे हाईवे पर जाम लग गया। तस्वीरों की में गाड़ी की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक है। हादसे की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को गाड़ी से बाहर निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शी पंकज की माने तो फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे थे और अचानक से बहुत जोर से आवाज आई और वह घबरा गए। उन्होंने अचानक देखा कि गाड़ी फ्लाईओवर के बीच से निकलकर नीचे आ गिरी। पंकज की माने तो गाड़ी में 3 युवक सवार थे और तीनों की हालत काफी गंभीर थी। तो, नाम बताइए अपना। मेरा नाम पंकज साहू है। पंकज जी, क्या कुछ हुआ है यहाँ पर, आप कहाँ जा रहे थे? मैं तो नीचे से जा रहा था तो बहुत जोर से आवाज आई अचानक से, तो मैं घबरा गया। नीचे इधर देखा, पूरा जाम लग गया, पूरा भीड़ लग गया। इतनी रफ्तार में गाड़ी थी कि एक बार ना फ्लाईओवर के बीच से जो है गाड़ी नीचे टकरा गई। ठीक है, बहुत तेज आवाज आई, इतना तेज आवाज आई मतलब कि पूरा एकदम एकता हो गया पब्लिक। तो गाड़ी में लोग थे, कुछ पता लगा उनका क्या हाल है? 3 आदमी थे सर, एक आदमी तो बहुत जख्मी थे, उनके आधा अंग जो है कट चुके, लेकिन फिर भी जीवित थे, और 2 आदमी थे जो पूरी तरह से ही जख्मी थे। मतलब 2 आदमी तो बच जाएंगे, लेकिन 1 आदमी का तो बहुत ज्यादा ही चोट गया। हाँ, हॉस्पिटल लेके। कितने बजे की घटना है? ये अभी मान के चले ना 30 से 35 मिनट हो गया। वही ट्रैफिक पुलिस ने KSI बलराज की माने तो गाड़ी में सवार लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और हाईवे पर जाम लग गया है, जिसके बाद जाम को सुचारू रूप से चलाया गया। वहीं NHAI के अधिकारी विजय की माने तो हमारा काम होता है गाड़ी को हाईवे से साइड करना, ताकि किसी तरह की जाम की स्थिति उत्पन्न ना हो। ऐसे में गाड़ी को हाईवे से हटा दिया गया। टेलीफोन के द्वारा सूचना मिलती थी, हम वहाँ से मदद करने के लिए आगे हॉस्पिटल में भेज दिए। हालत कैसी है उसके? उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, जो आईओ ही बताएगा। मेरा नाम विजय है सर, RPO की जॉब करता हूँ, पेट्रोलिंग का सर। सर, जब हमारे को सूचना मिली थी कि आप फ्लाईओवर से गाड़ी टूट चुकी है, जैसे ही हम पहुंचे उसके पहले इनको यहाँ से ले जाया जा चुका था, तो जैसे ही आम आदमी से और पुलिस डिपार्टमेंट से सूचना मिली थी, इनको घंटा भेज दिया। बाकी बता रहे थे कि एक बंदे को थोड़ी ज्यादा छोड़ने का। कितने लोग थे गाड़ी में? 3 लोग बता रहे हैं। किस तरफ से आ रही थी गाड़ी? ये दिल्ली टू जयपुर। दिल्ली तो वैसे में गाड़ी ले जाया जा रहा है, सर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गाइड गाड़ी को साइड करेंगे हम हाईवे से, ताकि भीड़ न हो, कोई और हादसा ना हो, उसके हम इसको साइड कर देंगे। बाकी का प्रोसीजर जो है डिपार्टमेंट जो बोलेगा वो। सर अभी कुछ नहीं बता सकते, जब तक सर कुछ नहीं बता सकते रफ्तार का, क्योंकि हम जब पहुंचे तो गाड़ी। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और गाड़ी को फ्लाईओवर के नीचे से हटाकर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चला दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसी खबरें जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।